इंडेक्स फिंगर की टिप पर रखा और धीरे 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 अपनी इंडेक्स फिंगर को बहुत धीरे धीरे अपनी नाक के नज़दीक लेके आए और धीरे से अपनी नाक के नज़दीक आ गई जब उंगली तो आपने मूव किया इसको। दोस्तों आज मैं आप सभी को आपकी आंखों की ज्योति यानी आई साइट इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, आई एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को करते रहते हैं ना तो आपकी आई साइट तो इम्प्रूव होगी ही होगी, साथ ही और भी बहुत सारे लाभ, जैसे कि आपकी जो आँखों की मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, इनको मजबूती मिलेगी, साथ ही रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके टीयर ग्लैंड जो हैं वो क्लिंज हो गए, आपका जो ऑप्टिकल सिस्टम है वो प्योरीफाई होगा, आपकी आँखें और भी ज़्यादा आप ब्राइटन महसूस करेंगे और भी ज़्यादा तेज इनमें महसूस करेंगे। और जो भी बहुत स्ट्रेन होता है लगातार मोबाइल देखते रहने से, टीवी देखते रहने से या हार्श लाइट के पड़ने से आँखों में बड़ी चुभन और जलन होती है ना, उनमें भी बड़ा ही ज़्यादा मददगार होगा। साथ ही आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन और आपके बैलेंस करता है। इसके अलावा आपको एंग्जाइटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, रात में नींद बड़ी मुश्किल से आती है, इनसोमनिया की समस्या, और यही नहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस इम्प्रूव होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और ध्यान में आप देखेंगे प्रगति महसूस होते हुए। जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे ना, बड़ी अच्छी तरीके से आपका ध्यान लगेगा। तो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड आप सभी ये सारी एक्सरसाइजेस जानने के लिए, चलिए बताती हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे घंटी का निशान है इसको दबा लीजिएगा, और मेरा प्रयास, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो नीचे जो लाइक का बटन है ना इसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मुझे बड़ा ही प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरीके से मन लगा के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूँ और आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाऊँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों सबसे पहला अभ्यास करेंगे कि अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे रगड़ना शुरू करेंगे, रब करेंगे। इससे आपके हाथों के बीच में जब गर्माहट महसूस होने लगे ना, इससे आपकी आँखों को बड़ा ही आराम मिलेगा। तो सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को ऐसे रब करें और अपने दोनों हाथों का ऐसे कप बना लें छोटे छोटे, और इसको अपनी आँखों के ऊपर ऐसे रख दें। जब आप आँखों के ऊपर रखें ना तो इन अपने पाम्स की ऐसे कटोरी बनाएं और अपनी आँखों को ज़्यादा दबाएं नहीं, प्रेशर नहीं दे कि ऐसे करके ऐसे दबा लें पूरा, नहीं, ऐसे कप बनाएं जिससे कि हाथों की जो गर्मी है वो आपकी आँखों पर ट्रांसफ़र हो और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करें। तो इस तरीके से रब करें और इसको कम से कम 10 से 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक इसी तरीके से रखा रहने दें, और फिर उसके बाद अपनी हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। जब घुटने के ऊपर ड्रॉप कर देंगे तो आंखों को ब्लिंक करें, झपकें ऐसे, जैसे लाइट फड़फड़ाती है ना आप जब ट्यूबलाइट कभी चालू करते हैं, तो इस तरीके से ब्लिंक करें, ब्लिंक करें, ब्लिंक करें, फिर उसके बाद आँखों को बंद कर लें। आँखों को जब बंद करें तो हल्का सा आँखों की जो आईलिड्स हैं इनको दबाव डालें, जिससे कि आपकी आँखों पर पूरा का पूरा आपकी मसल्स पर ऐसे दबाव आए हल्का, बहुत ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद धीरे से अपनी आँखों को खोलें और जितना हो सके अपनी आँखों को स्ट्रेच करें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मत दीजिएगा ऐसे। फिर उसके बाद आँखों को जब हल्का सा और दबाव डाल के बंद करें तो इस दबाव को महसूस करें, फिर उसके बाद अपनी आँखों को खोलें और जितना हो सके अपनी आई बॉल्स को स्ट्रेच करें और सामने की तरफ देखें। बड़ी है, आसान है ये प्रैक्टिसेस, लेकिन बड़ा ही मज़ा आने वाला है। इस तरीके से आँखों को बंद कर लें, फिर उसके बाद फिर से आँखों को खोलें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें। तो ऐसा कम से कम आप 5 से 10 बार कर लें, फिर धीरे से आँखों को ऐसे बंद कर लें। जब आप इस तरीके से अभ्यास कर लें आँखों को बंद करने का, फिर से हाथ की हथेलियों को आराम से ऐसे रगड़ें, रब करें, रब करें, रब करें, कप बनाएं पाम्स का और इसको अपनी आँखों के ऊपर रख लें। फिर से कम 15 से 20 सेकेंड तक इस तरीके से आँखों के ऊपर रखा रहने देने के बाद फिर अपने हाथों को ऐसे घुटने पर ड्रॉप करें, आँखों को ब्लिंक करके आँखों को खोल लें। अब जब यह अभ्यास हो जाए तो अपने आँखों को थोड़ा सा, अपनी आँखों की जो मसल्स हैं इनको आराम देंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे आँखों के ऊपर रखें और इसको गोल गोल घुमाएं इस तरीके से। पहले एक डायरेक्शन में कम से कम 15 से 20 बार कर लें, फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से दबा लें, और फिर उसके बाद जितनी बार भी हो सके इस तरीके से पाम्स को रगड़ें, और रगड़ने के बाद इसको ऐसे आँखों के ऊपर रख लें।
तो इससे आप सिर्फ इतनी प्रैक्टिस मात्र से आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों पर कितना आराम मिल रहा है। अब धीरे धीरे आंखों को ब्लिंक करते रहें, सामने देखते रहें। अब धीरे से अपनी आई बॉल्स को मूव करें सीलिंग की तरफ, यानी छत की तरफ देखें, और फिर धीरे से आई बॉल्स को मूव करें और फ्लोर की तरफ देखें। ऐसे छत की तरफ देखें और फ्लोर की तरफ देखें। जो सांसें हैं वो नॉर्मल ही रखें, छत की तरफ देखें और फ्लोर की तरफ देखें। ऐसा कम से कम 15 से 20 बार, 15-20 राउंड्स इस तरीके से रिपीट कर लें। छत की तरफ देखें और फिर सीलिंग की तरफ देखें। गलती क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट कि वो अपने आई बॉल्स को मूव करने के लिए कहा गया है ना, तो थोड़ा सा गर्दन भी ऐसे मूव करते हैं, फिर ऐसे ऐसे। तो ये एक्सरसाइजेस आँखों की हैं, ना कि गर्दन की। तो अगर आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो इस तरीके से गर्दन को बिल्कुल ना हिलाएं डुलाएं, अपने गर्दन को और अपने कंधों को एकदम फ्रीज कर दें। तो इससे आपकी आई बॉल्स की जो एक्सरसाइज होनी थी वो नहीं हुई, इनफैक्ट आपने गर्दन की एक्सरसाइज कर ली। तो आप अपनी गर्दन को एकदम फ्रीज कर दें और धीरे से आई बॉल्स को मूव करें आप, और आई बॉल्स को डाउन इस तरीके से। सिर्फ आई बॉल्स मूव हो, गर्दन ना मूव हो, इस तरीके से। दोस्तों, आप अगर इसी तरीके से हर रोज मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। आपको करना क्या है, आपको मेरी जो ये वेबसाइट है इस पर विजिट करना है, www.yogawithshahida.com। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। उनको उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अपनी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करवाती हूँ, ताकि वो अपनी हेल्थ कंडीशन से उभर सकें और पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास कर सकें। अब ये हेल्थ कंडीशन कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ आप ले लीजिए, जैसे नींद का ना आना, थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ब्लड प्रेशर का घट जाना या बढ़ जाना, PCOD, PCOS का प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन और ऐसी बहुत सी समस्याएँ जो हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण होती है। अब हम अपनी आई बॉल्स को राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे। इसी तरीके से सामने देखें और फिर धीरे से अपनी आई बॉल्स को राइट साइड ऐसे मूव करें, फिर सामने देखें, फिर लेफ्ट, फिर सामने देखें और राइट, फिर सामने देखें और लेफ्ट। तो इसी तरीके से सामने, राइट, सामने, लेफ्ट, और जितना हो सके ऐसे बिना गर्दन को घुमाए हुए आप जितना राइट साइड अपनी आई बॉल्स को मूव कर सकें ऐसे, और फिर सामने और फिर ऐसे धीरे से लेफ्ट की। आपको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, लेकिन आपको महसूस करना है कि ये स्ट्रेच आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि अपनी आई बॉल्स को जब मूव करेंगे ना, तो ऐसे धीरे से गर्दन को मूव करेंगे और फिर इस तरीके से हल्का हल्का वो गर्दन को भी मूव करते रहते हैं और आँखों को भी मूव करते हैं। तो गर्दन को आप फ्रीज कर दें और सिर्फ आई बॉल्स को ऐसे राइट एंड लेफ्ट की, जैसे आपको राइट साइड से कोई बुला रहा है और आप अपनी गर्दन को नहीं हिला सकते हैं और आप सिर्फ अपनी गर्दन अपनी आँखों से ही ऐसे देखेंगे। अभी अभ्यास करने के बाद वापस से अपनी हाथ की हथेलियों को ऐसे रगड़ें, रब करें, रब करें, रब करें और इनको अपनी आँखों के ऊपर रख लें, आँखों को आराम दें। तो 5 से 10 सेकेंड आपने आराम दे लिया। अब हम अभ्यास कर रहे हैं डायगनल मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल्स। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बड़ी सी घड़ी है और आपको उस घड़ी में दोपहर के 1:30 बजे राइट डायगनल अप और शाम के 8 बजे ऐसे अपनी आई बॉल्स को मूव कर रहे हैं। तो ऐसे सामने देख रहे हैं, अपनी आई बॉल्स को डायगनल राइट अप मूव किया, डायगनल लेफ्ट डाउन, डायगनल राइट अप मूव किया, डायगनल लेफ्ट डाउन, अप एंड डाउन। इसका अभ्यास भी कम से कम 10 से 15 बार कर ले। जब डायगनल लेफ्ट राइट अप देख रहे हैं तो पूरी अच्छी तरीके से अपनी आई बॉल्स को इस तरीके से मूव करें और फिर उसके बाद डायगनल लेफ्ट डाउन ऐसे। तो 5 से 10 से 15 बार इसका अभ्यास ऐसे कर लिया, फिर उसके बाद आंखों को बंद कर लें। जितनी बार हो सके हम अपनी हाथ की हथेलियों को ऐसे रब करेंगे और इनको आँखों के ऊपर रखेंगे। अब ये अभ्यास हुआ। अब हम डायगनल लेफ्ट अप और राइट डाउन, लेफ्ट अप और राइट डाउन का अभ्यास करेंगे। तो इमेजिन करें कि घड़ी में 10:30 और शाम के 5 बजे हैं इस तरीके से। तो डायगनल लेफ्ट अप, राइट डाउन, डायगनल लेफ्ट अप, डायगनल राइट डाउन, डायगनल लेफ्ट अप, डायगनल राइट डाउन, डायगनल लेफ्ट अप,
डायगनल राइट डाउन, ऐसे कम से कम 15 से 20 बार इस तरीके से अभ्यास करें। लेफ्ट देखें तो पूरा का पूरा अच्छा महसूस करें कि सुबह के 10:30 बजे हैं और उसको आप देख रहे हैं, और राइट डाउन इस तरीके से। वापस से अपनी हाथ की हथेलियों को रब करेंगे, रगड़ेंगे इस तरीके से और अपनी आँखों के ऊपर रख देंगे। जब इतना अभ्यास कर लेंगे ना, इतने अभ्यास में ही आपको बड़ा ही इफेक्ट महसूस होने वाला है। अब जब ये अभ्यास कर लिया है तो अब इन सारे के सारे जो चारों डायरेक्शन में हमने अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट मूव किया है, फिर हमने डायगनल भी मूव कर लिया, तो हमने ये सारे के सारे डायरेक्शन में जो काम किया है इन सारों को एक दूसरे के साथ जोड़ के फिर अभ्यास करेंगे। तो कैसे करेंगे हम? पहले अभ्यास कर रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ योर आईबॉल्स। तो सबसे पहले लुक अप टुवर्ड द सीलिंग, छत की तरफ देखें, फिर धीरे से अपनी राइट साइड देखें, फिर फ्लोर की तरफ देखें, फिर लेफ्ट देखें, फिर अप देखें। राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप। जब ये अभ्यास कर लें, कम से कम इसका भी अभ्यास 15 से 20 बार करें, दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़े, रब करें, कप बनाएं और इनको अपनी आंखों के ऊपर रख लें। अब अपने हाथ को वापस से घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। अब हम अभ्यास करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ योर आईबॉल्स। तो सबसे पहले लुक अप टुवर्ड द सीलिंग, लुक लेफ्ट, लुक डाउन, लुक राइट, लुक अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट। और कोशिश करें ऐसा एफर्ट डालते हुए, हम ज़्यादा स्ट्रेन तो नहीं डाल रहे हैं लेकिन हम एफर्ट डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद आंखों को बंद कर लें, दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे रब कर लें, रब करें, रब करें, रब करें, और इसको कप बनाएं और इनको अपनी आंखों के ऊपर रख लें। अब अपने हाथ को घुटने पर वापस से ड्रॉप कर दें। अब ये सारी तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो आँखों की मांसपेशियाँ हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं और साथ ही बीच बीच में हमने इनको रिलैक्स भी कर लिया। अब हम अभ्यास कर रहे हैं नासिकाग्र दृष्टि का। नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास यानी आपको नासिका के अग्रभाग यानी नोज के टिप पर गेज करना है। इसका अभ्यास किस तरीके से करेंगे? बड़ा आसान है, ज़रा देखिए। तो नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप पर, यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सामने देख रहे हैं, कमर गर्दन सीधी रखी है। अब धीरे 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 अपनी आँखों को बिल्कुल भी इधर उधर मूव ना करें और अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप पर ही अपना ध्यान रखते हुए धीरे 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 अपनी इंडेक्स फिंगर को नाक के टिप पर इस तरीके से लगा दिया। जैसे ही नाक के टिप तक आपकी इंडेक्स फिंगर पहुंची तो धीरे से अपने हाथ को, अपने राइट हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दिया और इस तरीके से आपको आपका, आपकी जो नज़रें हैं, आपकी आई बॉल्स हैं, आपकी नोज की टिप पर इस जगह पर केंद्रित करनी है, ऐसे ऐसे। तो आपको कम से कम 20 से 30 सेकेंड इस तरीके से अपनी नासिका के अग्रभाग तक देखते रहें, ज़्यादा स्ट्रेन ना डालें लेकिन ऐसे देखते रहें। और जब लगे कि अगर ऐसा करने से थोड़ा आँखों में शुरू में चैलेंज हो सकता है अगर पहली बार करें, तो धीरे से आँखों को बंद कर लें। जब आप आँखों को बंद कर लें तब भी आपका ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर यानी नोज टिप पर हो, यानी व्हेन यू हैव क्लोज्ड योर आइज Still you are focusing at the tip of your nose. आँखों को बंद कर रखा है तो इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर लें। एक बार और देखिए, अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप पर अपना ध्यान लेके गए और धीरे 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 जैसे ही मेरी इंडेक्स फिंगर अब मेरे चेहरे के करीब आ रही है, मेरा ध्यान मेरी इंडेक्स फिंगर की टिप पर है और जैसे ही मेरी इंडेक्स फिंगर मेरे नाक को टच कर रही है, धीरे से मैंने अपना ध्यान कैसे अपनी उंगली से हटा के अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर दिया और अपनी नासिका के अग्रभाग को देख रही हूँ, ऐसे। और फिर धीरे से आँखों को बंद कर लिया। बंद आँखें हैं
लेकिन अभी भी मेरा ध्यान केंद्रित कहाँ है? मेरा ध्यान मेरी नाक के अग्र भाग पर, यहाँ पर मैंने फोकस किया हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ देर बैठे रहें। अब वापस से अपनी हाथ की हथेलियों को रब करें, रगड़ें, इसको कप बनाएं, आंखों के ऊपर रख लें, आंखों को आराम दें। अब ये तो हो गया अभ्यास नासिकाग्र दृष्टि का, यानी गेजिंग एट द टिप ऑफ योर नोज। अब हम अभ्यास कर रहे हैं शांभवी मुद्रा का। शांभवी मुद्रा का अभ्यास करने से पहले ये सारी प्रैक्टिसेस कर लें, ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई आप कर लें। इसका मतलब क्या हुआ? शांभवी मुद्रा में आप अपने आईब्रोज के बीच में इस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी आपके दोनों आईबॉल्स यहाँ पर, दोनों आईब्रोज के बीच में इस जगह पर आपको केंद्रित करना है, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं ना, उस जगह पे। किस तरीके से अभ्यास करेंगे देखिए। आपने इंडेक्स फिंगर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इंडेक्स फिंगर की टिप पर इस जगह पर, और पूरा ध्यान ऐसे लगाएं कि बिल्कुल भी ध्यान भंग ना हो, और धीरे धीरे आपकी इंडेक्स फिंगर आपके नाक के करीब आ रही है और ध्यान हमारी इंडेक्स फिंगर की टिप पर ही है ऐसे। और धीरे से जब आपकी इंडेक्स फिंगर आपके नाक को टच करने लगे, तो आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को ऐसे धीरे धीरे मूव किया कि अब आपकी इंडेक्स फिंगर दिखना बंद हो गई। और जब आपकी इंडेक्स फिंगर दिखना बंद हो जाए, तो आपने अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे तिलक या बिंदी लगाते हैं वहाँ पे है, और आपके आईब्रोज देखिए उसकी स्थिति इस तरीके से हो जाएगी ऐसे। तो आंखें खुली आधी बंद है। अब अगर आपको लगे कि आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है और आप बहुत देर तक इस तरीके से नहीं खुली रख सकते आँख, तो धीरे से आँखों को ऐसे बंद कर लें और आपका ध्यान अभी भी आपके माथे पर इस जगह पर है। आँखों को बंद करें और ध्यान, कीप योर फोकस बिटवीन बोथ योर आईब्रोज, कीप योर आईज क्लोज्ड, कीप फोकसिंग बिटवीन बोथ योर आईब्रोज। तो इसी तरीके से आप इस अभ्यास को 3 से 5 बार कर लें। एक बार और देखें, अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप पर इस जगह पर देखना शुरू करें और धीरे 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 अपनी इंडेक्स फिंगर को, अपनी हाथ की उंगलियों को अपनी नाक के करीब लेके आएं। जैसे ही नाक के करीब आपकी उंगली आ गई, अब धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से मूव करें, ताकि ये छत की तरफ ऐसे जब मूव होती जाए, जब आपकी इंडेक्स फिंगर दिखना बंद हो जाए, तो आपने इस तरीके से अपने दोनों आईब्रोज को फिक्स किया, अपनी दोनों आँखों को अपने आईब्रोज के बीच में इस जगह पे फिक्स किया कि आपकी आँखें आधी खुली और आधी बंद हैं इस तरीके से, और अपने ध्यान को इसी जगह पे लगाएं, अपनी जो फोकस है अपने दोनों आईब्रोज के बीच में ही लगाएं इस तरीके से। और फिर धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लें। तो इस तरीके से शांभवी मुद्रा का अभ्यास आपकी आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं इनको और भी ज़्यादा मजबूती देंगी। और फिर आँखों को बंद करके अभी भी ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में रखा और शांति से बैठे रहें। कम से कम 5 मिनट तो आराम से ऐसे बैठे रहें। फिर उसके बाद अपनी हाथ की हथेलियों को ऐसे रब करें, रगड़ें, इनको अपनी आंखों के ऊपर रखें। और अपने आंखों को धीरे धीरे ब्लिंक करके झपकें और सबसे पहले फ्लोर की तरफ नीचे देखें और फिर धीरे 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 अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए और सामने देखें। तो देखा आपने ये सारे अभ्यास कितने आसान थे ना? तो देखा आपने कितनी आसान थी ये सारी प्रैक्टिसेस। हर दिन अभ्यास कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। अब मुझे आपको एक चीज़ बताना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सजेस्ट की हुई किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बना के। इसके अलावा अगर मेरा प्रयास आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया जो कंटेंट है वो बहुत पसंद आ रहा है। और साथ ही
आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। आप सभी के प्यार के लिए और आप सभी के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।